अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ इमरान अली और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल हंटर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो है फेसबुक की एप्लीकेशन की जो न्यू अपडेट आई है मई में, उसके बारे में। तो दोस्तों, कमाल की अपडेट आई है फेसबुक की, पूरा का पूरा लुक चेंज कर दिया है फेसबुक का, और कुछ हिडन फीचर्स भी दिए हैं फेसबुक वालों ने, जो कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता हो लेकिन कुछ को नहीं पता है। सो दोस्तों, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और डिस्कस करूंगा कि क्या न्यू लुक दिया है, क्या क्या चेंजेस आई हैं फेसबुक ऐप में। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है आप किसी बड़ी ट्रिक से महरूम रह जाएं। सो चले फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन आएगा, उसको दबाने। उसको दबाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, चलते हैं हम फेसबुक में। फेसबुक की एप्लीकेशन का सबसे पहले आप लोग कलर देख सकते हैं। कलर बिल्कुल उन्होंने ब्लू कर दिया है, यानी कि पहले डार्क ब्लू था, अब लाइट ब्लू कर दिया। सो ये काफ़ी फेसबुक आइकन का कलर जो है प्यारा लग रहा है। तो अब सबसे पहले हम फेसबुक खोलते हैं। फेसबुक का कुछ इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं, कुछ तब्दीलियाँ जो उन्होंने की हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी आपका ये जो इंटरफेस है वो पहले के इंटरफेस से काफ़ी मुख्तलिफ है। लेकिन ये जो अब के अपडेट आई है उसमें चेंज नहीं हुआ, ये पहले से ही चेंज हुआ है ये वाला इंटरफेस। लेकिन दोस्तों, अब उन्होंने क्या किया आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड पे जो माई पेजेस का ऑप्शन आता था, इसका आइकन देख सकते हैं। फिर ये ग्रुप्स का आइकन वगैरह ये देख सकते हैं। ये देखें, वॉच वीडियो, ये सब आइकन चेंज कर दिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखें, सभी आइकन उन्होंने चेंज कर दिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो उन्होंने फ्यूचर जो हिडन फीचर, या ये हिडन फीचर तो नहीं कह सकते हम, जो फीचर डाला है, तो ये देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको हमारी प्रोफाइल नज़र आ रही है, तो यहाँ पे साइड में आपको जितने भी आपके अकाउंट इस फेसबुक एप्लीकेशन में लॉगिन हैं वो उन सब का आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उन सब में से किसी ना किसी पर आपको लोग लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन करके। अब आपको लॉग आउट करके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो फेसबुक वालों ने डाला है। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको एक न्यू फीचर बताता हूँ। यहाँ से आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये वाला आइकन, जो कि जहाँ पे ये मेरी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन से इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अपने ग्रुप्स में जा सकते हैं, जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं। ये पुराना फीचर है, लेकिन जो इसमें न्यू आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डिस्कवर ग्रुप कर सकते हैं। सेटिंग आपको नज़र आ रही होगी, तो सेटिंग में आपने जाना है। तो यहाँ पे आपको 5-6 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आपने जितने भी ग्रुप्स ज्वाइन किए उनके नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको किस चीज़ के नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। ये देखें, ऑल पोस्ट की, हाईलाइट्स की, फ्रेंड पोस्ट की, या आप ऑफ लोग ऑफ़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन से तंग होते हैं, उनको जो भी ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं उनमें से नोटिफिकेशन आते हैं तो वो तंग आते हैं। यहाँ से आप सारे ग्रुप्स के जो हैं नोटिफिकेशन ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद पिन है, जो आपको ग्रुप ज़्यादा पसंद है, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि जल्दी मिल जाए, ढूंढना ना पड़े, उसको आप लोग यहाँ से पिन कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक पिन ग्रुप कर दिया, तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपके दिल जाए। सो इसी तरह आप अपने फेवरेट ग्रुप्स को हमेशा ऊपर रख सकते हैं। तो फॉलोइंग, ये वो ग्रुप्स आएंगे यहाँ पे जिनको आपने फॉलो किया होगा, तो यहाँ से आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से आप सर्च में ग्रुप जो नेम के साथ सर्च कर सकते हैं, मोस्ट विजिट जो आपने किए, या रिसेंटली जिसको आपने ज्वाइन किया, या ए टू जेड, तो यहाँ से आके आप उसको फॉलो कर सकते हैं एक एक करके। यहाँ से आप मेम्बरशिप है लीव कर सकते हैं परमानेंटली सारे ग्रुप से। इसका भी वैसा ही चीज़ है जिस जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक जो फीचर जो फेसबुक वालों ने डाला है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, उसमें मैं आपको बताता हूँ। कोई भी वीडियो आप अगर आप देख रहे हैं, मैं कोई वीडियो ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि कोई वीडियो, ये गेम की वीडियो है, तो ये मैंने वीडियो ऑन की। तो यहाँ से आपने इसके वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन करने के बाद
आपने यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने करते ही आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग ये वीडियो आपके ऊपर चलना शुरू हो गई है और आप लोग इधर से अपनी जो कि स्ट्रीमिंग है फेसबुक की वो देख सकते हैं या अपनी फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए आपने इसको ऐसे स्लाइड कर देना है और ये आपकी जो है वीडियो जो आपने ऊपर की थी मिनिमम, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो फेसबुक वालों ने डाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो भी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको कुछ सीखने को मिले। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।